नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मुकेश हेल्थ में स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चलेंगे हरिद्वार के सबसे अच्छे मंदिर में और सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है हरिद्वार का, आप सभी जानते हैं कि मनसा देवी का मंदिर है, जो सबसे फेमस है और सबसे ज़्यादा श्रद्धालु जो है इसी मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। और देख सकते हैं ये ऊँचे पहाड़ों पर माँ मनसा देवी का मंदिर है। तो आज हम पैदल यात्रा करते हुए, अभी हालांकि हम कुछ दूर बाइक से चलेंगे और उसके बाद वहां पैदल यात्रा करेंगे, क्योंकि अभी ये रोड का रास्ता है और आगे काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है, तो वहां पर हम पैदल यात्रा करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय कोरोना कर्फ्यू चल रहा है और ऐसे में बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो हरिद्वार आना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को घर बैठे दर्शन कराया जाए। तो आज हम मनसा देवी मंदिर चलेंगे और दर्शन करते हैं, तो बने रहें हमारे साथ और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी रहेगी, अगर आप इसी तरह हरिद्वार और ऋषिकेश की जानकारी पाना चाहते हैं, हरिद्वार और ऋषिकेश के अच्छे स्थानों को देखना चाहते हैं, मंदिर को देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, अभी हम बाइक से चल रहे हैं और रास्ते का जो व्यू है वो आप देख सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे दृश्य नज़र आ रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं, मौसम जो इस समय हो रहा है बहुत ही अच्छा है और बादल है, बारिश की पूरी उम्मीद है कि बारिश हो सकती है। और सुबह का समय है, लगभग 6:30 बज रहे हैं इस समय। और देखते हैं मंदिर में कितनी भीड़ है, कितने श्रद्धालु पहुँचे हैं। और ये एक रास्ता है जो बाइक से जो लोग मनसा देवी मंदिर जाते हैं, तो ये वो पॉइंट है, यहाँ से आप बाइक से सिंगल या डबल आप आराम से मंदिर तक पहुँच सकते हैं। और हालांकि मैं थोड़ा सा आगे चलूँगा और जो कि पैदल वाला रास्ता है वहाँ से हम आज पैदल जाने वाले हैं, क्योंकि बाइक का रास्ता मैंने आपको कई बार दिखाया है। और यहाँ पर आप भूस्खलन का देख सकते हैं, यहाँ पर पहाड़ी जो है वो नीचे गिर गया है टूट के, और शायद ये रात को ही गिरा होगा। दोस्तों, अब हम सीढ़ी वाले रास्ते के पास पहुंच चुके हैं। हालांकि जो सीढ़ी वाला रास्ता है वो अपर रोड से शुरू होता है, और जो लोग अपर रोड से या हर की पौड़ी की ओर से पैदल सीढ़ी वाले रास्ते पर आते हैं उसका रास्ता ये है। आप देख सकते हैं जो अपर रोड से सीढ़ी से आते हैं वो यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन हम रोड के रास्ते से यहाँ तक पहुँचे हैं, इससे थोड़ी सीढ़ियाँ हमें कम चढ़नी पड़ी और अब हम यहाँ से सीढ़ी के रास्ते से आगे बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से सीढ़ियाँ का जो है शुरू है, तो सीढ़ियों से होते हुए माँ मनसा देवी मंदिर पहुँचेंगे और रास्ते के जो व्यू हैं वो आपको देखने को मिलेंगे और उसके साथ साथ माता के दर्शन भी करेंगे। तो अभी शुरू करते हैं यात्रा, यहाँ से चढ़ाई जो है वो शुरू होती है। अब लगभग हम 50 मीटर सीढ़ियों के रास्ते से पहुंच चुके हैं और ये देख सकते हैं काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, तो आप भी इसका विशेष ध्यान रखें, जब भी चलें तो आराम से रुक रुक कर चलें। और फिलहाल आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे आपको व्यू नज़र आ रहे होंगे, एक तरह से यहाँ पर हर की पौड़ी और हरिद्वार का काफ़ी हिस्सा यहाँ से देखा जा सकता है। और वहाँ पर आप ऊँचे पहाड़ों पर माँ चंडी देवी का मंदिर भी है, तो यहाँ पर फिलहाल देख सकते हैं आज भी जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो काफ़ी लग रही है, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे लोग मिले हैं। तो आगे चलते हैं और जो ऐसे जो आपको सुंदर व्यू आपको देखने को मिलेंगे, तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों, लगभग 100 मीटर चलकर हम पहुंच चुके हैं और इस जगह आप देख सकते हैं हरिद्वार का जो व्यू है बहुत ही अच्छा आपको यहाँ से दिख रहा होगा, और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं ये पहाड़ों के दृश्य बहुत ही सुंदर आपको आज नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि आज जो मौसम है बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है, ठंडी ठंडी हवाओं के साथ और बादल है इस समय,
तो फिलहाल यहाँ के जो दृश्य हैं वो सबसे अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ के फिलहाल दृश्य देख सकते हैं और उसके आगे जो आगे का जो सफ़र है वहाँ पर रास्ते पे जो भी अच्छे आपको व्यू देखने को मिलेंगे उसको भी इस वीडियो में दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप हर की पौड़ी को देख सकते हैं। हर की पौड़ी के सबसे अच्छे जो दृश्य हैं इसी स्थान पर खड़े होकर देखे जा सकते हैं। और आज तो मौसम इतना अच्छा है कि जो ये व्यू हैं और भी ज़्यादा निखर चुके हैं। तो चलते हैं आगे और रास्ते के जो और जो इस तरह के दृश्य हैं वो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। कहाँ से आए भैया आप लोग? करनाल से। करनाल ये है हरियाणा में? अच्छा अच्छा, दर्शन हो गए आप लोगों के? चलिए बहुत अच्छी बात है। रास्ते में कुछ चेकिंग वगैरह हुई थी? हाँ जी, चेकिंग रिपोर्ट वगैरह चेक हुई थी। हाँ जी। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। जय माता दी। और दोस्तों इस तरफ आप देख सकते हैं ये हरिद्वार शहर है और एक तरह से कह सकते हैं कि हरिद्वार शहर का मैक्सिमम हिस्सा यहाँ से साफ देखा जा सकता है। तो दोस्तों अब हम आगे चल रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं और सुबह सुबह ही यहाँ की जो प्रसाद की दुकानें हैं वो खुलना शुरू हो चुकी हैं। भैया कितनी भीड़ हो रही है आजकल? हल्की हो रही है इस समय। कितने श्रद्धालु लगभग आ रहे हैं? 500,000 आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ज्यादा ही आ रहे हैं इससे तो। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, धन्यवाद भैया। कोरोना खत्म कर दो। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि 4-5 सीढ़ियाँ 8-10 सीढ़ियों के बाद थोड़ा सा आपको प्लेन दिखेगा, तो यहाँ पर पैरों को आपको काफ़ी रिलैक्स होगा। शुरू में आपको खड़ी चढ़ाई मिलेगी, खड़ी सीढ़ियाँ होंगी और यहाँ पर तो फिलहाल ठीक है। तो दोस्तों थोड़ी देर में हम माता के दरबार तक पहुंचने वाले हैं और लगभग यहां से 20% जो यात्रा है और बची हुई है, तो अभी फिलहाल चलते हैं। तो दोस्तों माता का दरबार अब आ चुका है और थोड़ी देर में दर्शन करेंगे। और हालांकि ये जो यात्रा है थोड़ी सी कठिन ज़रूर है लेकिन इतनी भी नहीं है, आप आराम से रुक रुक के चल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो चलते हैं फिलहाल। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रसाद की बहुत सारी दुकानें हैं। यहाँ पर भी आपको प्रसाद मिल जाएगा और ऐसी आगे तक काफ़ी दुकानें हैं। तो दोस्तों ये है मेन गेट जहाँ से माता के दरबार की एंट्री होती है और ये पैदल
जो मार्ग है उसका एंट्री पॉइंट है, और यहीं पर पास में रोपवे का भी रास्ता है जो लोग रोपवे से आते हैं। और फिलहाल देख सकते हैं, फिलहाल आप देख सकते हैं रोपवे जो है वो पूरी तरह से बंद है। यहाँ पर रोपवे वाला जो भी विंडो है सारी लॉक लगा हुआ है, शटर लगा हुआ है। तो अभी हम आगे चलेंगे और दर्शन करेंगे माता के। तो दोस्तों अब हम माता जी के भवन तक पहुंच चुके हैं, इस समय हम भवन के अंदर हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ श्रद्धालु भी यहाँ पर आए हुए हैं जो माता के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर भी आपको प्रसाद की कई दुकानें मिल जाएंगी। अगर आप प्रसाद किसी कारणवश नहीं ले पाए हैं तो आप प्रसाद यहाँ पर भी ले सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर खाने पीने की भी कुछ दुकानें हैं। तो सबसे पहले आप भवन के अंदर के कुछ दृश्य देख सकते हैं और उसके बाद माता जी के दर्शन करने के लिए चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर माता जी का जो मेन कह सकते हैं भवन है उसका ये एंट्री गेट है, यहाँ से एंट्री होती है। आगे चलते हैं और दर्शन करेंगे। दोस्तों रास्ते में तो कुछ भीड़ दिख रही थी लेकिन मंदिर परिसर देख सकते हैं खाली है, यहाँ पर कोई भी लाइन नहीं लगी है और पूरी तरह से खाली है। बस सीधे डायरेक्ट आप माता के मंदिर के सामने पहुँचे और दर्शन करें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चरण पादुका माता जी के स्थित हैं। ये धुना लगातार जलता रहता है। यहाँ पर अगरबत्ती जो प्रसाद में होती है वो यहाँ पर आप उनको डाल सकते हैं। और अब आ गया आपके सामने माता का मंदिर, यही है माँ मनसा देवी का मंदिर। तो दोस्तों अब हम माता जी के बिल्कुल मंदिर के सामने खड़े हैं, आप सभी माता जी के दर्शन कर सकते हैं। मनसा माता जो है वो सभी की मनोकामना को पूर्ण करती है, तो आप सभी माता के दर्शन करें और माता से जो भी आपकी मनोकामना है उसके लिए आप प्रार्थना करें। और इसके साथ साथ एक प्रार्थना और भी करें कि जो हमारे देश में कोरोना नामक संक्रमण फैला हुआ है इसको जल्द से जल्द दूर करें, हमारा देश पहले की तरह खुशहाल और अच्छा बन सके। और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अभी माता जी का श्रृंगार चल रहा है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ये दृश्य हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपने सही से माता मनसा देवी के दर्शन कर लिए होंगे। तो वीडियो को लाइक करने के साथ आगे शेयर ज़रूर करें ताकि आपके साथ जो बाकी लोग हैं वो भी माता के दर्शन कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा है जहाँ से बहुत ही अच्छे व्यू आपको देखने को मिलेंगे, तो अभी फिलहाल हम उसी पॉइंट पर चल रहे हैं। हालांकि जो रास्ता है वो काफ़ी कठिन है, तो चलते हैं। माँ मनसा देवी मंदिर के सामने एक टीला है और वहाँ पर मैं इस समय पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर खड़े होकर बहुत ही अच्छे व्यू देखे जा सकते हैं। और मैं आपको कुछ यहाँ के जो दृश्य हैं वो इस वीडियो में दिखाऊंगा। और उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय मनसा माता।